आ रही है। ये जो ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है ना, तूफान आ गया है, इसे प्लीज कोई मिटा दीजिए। हाँ, जितनी बार देखेंगे ना वो सुनीता की बात याद आएगी। हाँ। और फिर डर लगता रहेगा। ओ मेरी पोली पार्सन, उस बात को भूल जा। प्लीज फिर भी प्लीज इसे मिटा दीजिए ना। अरे भाई तो खड़े खड़े सुन क्या रहा है भिड़े? कविता जी और सब लेडीज लोग बोल रहे थे मिटा देना भाई। टप्पू मिटा दे। टप्पू मिटा दे क्या भाई, तू क्यों नहीं मिटा रहा है? मैं क्यों मिटाऊं? ये मैंने लिखा है, ये किसने लिखा है? टप्पू ने लिखा है ना, उसकी शरारत है ना, तो वो मिटाएगा। अरे यहाँ का अर्थ है, तू बोलते तला का अर्थ है, समझाते? हाँ समझा। तू कौन है? ए। अरे मेरा मतलब है तू एक शिक्षक है बराबर। हाँ तो? और वो क्या है? क्या क्या है? अरे जिस पे तू सुविचार लिखता है वो। हाँ ब्लैक बोर्ड। हाँ तो एक शिक्षक का और एक ब्लैक बोर्ड का एक पवित्र रिश्ता होता है, तो उसे एक शिक्षक के अलावा और कोई छू नहीं सकता है, हो ना? हाँ। आ तो ये बात ये लिखने से पहले टप्पू के समझ में नहीं आई? नहीं आई ना, तभी तो उसने गलती की। ये गलती नहीं, ये शरारत है, और जिसने शरारत की है वही सुधारेगा। अरे भाई उसने अपनी शरारत सुधार भी ली है, वो देख। शरारते मस्ती मजाक परिवार को जोड़ के रखते हैं, हम उसी के साथ मजाक करते हैं जिसको परिवार समझते हैं। ये सुविचार चलेगा ना कि तुझे और कुछ लिखना है? नहीं नहीं, इनफैक्ट ये बहुत अच्छा सुविचार लिखे हैं टप्पू। थैंक यू। चलो चलो बहुत देर होगी, अब तो घर जाके सो जाए। हाँ बिल्कुल, तो मैं आत्मारम तुकारा मिड़े गोकुला सब अपने घर जाके सो जाते हैं। अरे ऐको तो ते कोणी आगे ऐकलं, चल प्रोटोकॉल असतो की नाही? अरे 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 धीरे 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 भागा जा रहा है ये तो। होम स्वीट होम, धरती नो छेड़ो घर, घर की हवा में ही अपनापन होता है। होता है बेटा, बिल्कुल होता है। पापा मैं आपको दादाजी को मम्मी को तो बहुत मिस करता ही था, लेकिन उसके साथ साथ इस घर को भी मिस करता था। सच में दुनिया की सबसे महंगी जगह भी इस घर के सामने सस्ती है। टप्पू बेटा इसीलिए तो इसे मकान नहीं घर कहते हैं। वाह वाह बापूजी वाह, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे क्या है बेटा कि इंसान दुनिया के बेस्ट में बेस्ट जगह पे क्यों ना चला जाए, लेकिन अपने घर जैसी शांति से कहीं नहीं मिलती है। बिल्कुल सच पापा। वैसे बेटा तेरी पढ़ाई कैसी रही? बस मस्ती करते करते हो गई पढ़ाई। मस्ती करते करते? हाँ। तो फिर रिजल्ट क्या आया? ये रिजल्ट आधी रात को क्या रिजल्ट? हाँ पापा आधी रात को क्या रिजल्ट, छोड़िए रिजल्ट, मैं आपके लिए जो गिफ्ट लेकर आया हूँ वो दिखाता हूँ। अरे ओ बेटा अभी गिफ्ट रहने दे भाई, गिफ्ट कल सुबह दिखाना। हा? पापा वो डराने वाली गिफ्ट मैंने रात को दी थी, तो ये गिफ्ट भी मैं रात को ही दूंगा। अरे बेटा अभी तो सफर से थक के आया है, कहाँ अभी तो बैग खोलेगा उसमें से गिफ्ट निकालेगा, कल सुबह देना ना। नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, गिफ्ट मेरे बैग में नहीं है, आपके पास ही है। हमारे पास? हमको गिफ्ट मिल चुकी है। हाँ हमको तो ये एक ही गिफ्ट मिली है, रमकड़े का पिल्लू, दूसरी कोई गिफ्ट नहीं मिली नहीं बापू जी। हाँ अरे पापा गिफ्ट इसी बॉक्स में है। हाँ बेटा ये देख ये बॉक्स तो पूरा खाली है। बापू जी लगता है फिर से हमारे साथ मजाक कर रहा है। बापू नहीं। हाँ बेटा। अरे नहीं पापा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसी बॉक्स में दूसरा गिफ्ट है। अरे इसी बॉक्स में दूसरी गिफ्ट है तो कहाँ है, बॉक्स तो खाली है पूरा। ठीक है तो मैं इसी खाली बॉक्स से आपका गिफ्ट निकालता हूँ।
आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा गिफ्ट बाहर आ जरा। बापूजी इसमें तो चोर खाना है। अरे अरे ये तो टप्पू ने जादू कर दिया है, खाली बॉक्स में से गिफ्ट निकाल दी। दादाजी ये टप्पू का स्टाइल है। अरे वाह बहुत गजब स्टाइल है बेटा तेरा तो, हमें तो पता ही नहीं था कि इस बॉक्स में तूने दूसरी गिफ्ट भी छुपा के रखी थी। तो दादाजी ये लीजिए आपका गिफ्ट। वाह क्या है इसमें? अरे खोलिए तो सही। इधर से बाबू जी आ जाए। अरे वाह शॉल। हाँ दादाजी शॉल। वाह वाह लाए बाबू जी मैं आपको पहना तो लाए लाए। एकदम रेशमी है ये तो है। वाह 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 मस्त है एकदम, बहुत अच्छी है ये शॉल। वाह वाह बाबू जी मस्त लग रही है शॉल। ये शॉल मुझे बहुत पसंद आई है, थैंक यू। वेलकम दादाजी। सच कहूँ टप्पू बेटा इस शॉल को ऐसे रखा है ना तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे तू मुझसे लिपटा हुआ है। दादाजी मैं तो वैसे भी अब हमेशा आपके पास ही हूँ। और ये लीजिए पापा आपकी गिफ्ट। अरे वाह इसमें क्या है? रुमाल। रुमाल अप्पू जी का पैकेट इससे थोड़ा बड़ा था उसमें से साल निकली, तो ये पैकेट छोटा है तो इसमें से रुमाल ही निकलेगा ना। पापा गिफ्ट खोल के देखिए तो सही। अच्छा ये बॉक्स है कुछ छोटा सा। ओ पर्स पप्पू जी पर्स। इस पर्स की एक खासियत है पापा, इसको बनाने में चमड़े का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए इसको बनाने में किसी भी जीव की हत्या नहीं हुई है। ओहो जैन पर्स। वाह बेटा वाह मस्त ढूंढ के लेके आया बापू जी, वाह मजा आ गया बेटा वाह। थैंक यू। एक बात बता टप्पू बेटा, तू सबको जो अच्छी गिफ्ट देने वाला है वो क्या ऐसे ही सबके बॉक्स में छुपा के रखी है? हाँ दादाजी। वाह तो मतलब सबके लिए साल और पर्स ही लेके आया? नहीं पापा सबके लिए अलग अलग गिफ्ट लेकर आया हूँ। अच्छा क्या क्या? अरे वो सब बताने बैठेगा तो सुबह हो जाएगी भाई। ठीक है चलो सबकी नहीं किसी एक की तो बता। बबीता जी और हेयर भाई के लिए क्या लेके आया बेटा? पापा उनके लिए कॉफी मंग लाया हूँ। अरे वाह बढ़िया बढ़िया, रोज सुबह कॉफी पीते पीते बबीता जी और हेयर भाई दोनों याद करेंगे। इसे टप्पू को। हाँ तू देखना जेठिया सुबह जब टप्पू सबको गिफ्ट देगा ना तो सब लोग खुश हो जाएंगे। हाँ सुबह नहीं मैं अभी सबके घर जाता हूँ और उनको गिफ्ट देता हूँ। अभी इतनी देर रात को? हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही तो सब घर गए हैं, अभी तो कोई सोया भी नहीं होगा, इसलिए मैं अभी जाकर उन्हें गिफ्ट देकर आता हूँ। बेटा वो अभी थक गया होगा तो अभी सो जा, सुबह दे देना सबको गिफ्ट। हाँ दादाजी आप ही कहते हैं ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आप दोनों सो जाइए मैं अभी सबके घर जाकर गिफ्ट देकर आता हूँ। अरे बेटा ओ बेटा ये बैग क्यों लेके जा रहा है? पापा सबकी गिफ्ट तो उनके बॉक्स में ही है, पर सोडी अंकल के बॉक्स में बॉक्स बॉक्स में बॉक्स थे इसलिए मैं उनकी गिफ्ट छुपा नहीं पाया था, और अब्दुल भाई तो मेरे प्लान में शामिल थे इसलिए मैं उनको भी गिफ्ट नहीं दे पाया था, तो उनका गिफ्ट इस बैग में है। हाँ मतलब जिनका गिफ्ट उस बॉक्स से नहीं निकलेगा उनका इस बैग से निकलेगा, और पापा अब्दुल भाई सोसाइटी से निकल जाए उससे पहले मैं उनको गिफ्ट देकर आता हूँ। हाँ जा 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 जा। अरे अब्दुल भाई। अरे टप्पू इतनी रात को बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? अब्दुल भाई मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रहा था, अच्छा हुआ कि आप अभी तक घर नहीं गए। थैंक यू सो मच अब्दुल भाई कि आपने मेरी इतनी हेल्प की। अरे मैं टप्पू सेना के लिए कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। एक मिनट अब्दुल भाई ये लीजिए टप्पू की तरफ से आपको गिफ्ट। टप्पू जिस तरह तूने पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के साथ मस्ती की थी कहीं वैसी मस्ती तो मेरे साथ तो नहीं कर रहा है ना? अरे नहीं नहीं अब्दुल भाई इसमें कोई मस्ती वाला गिफ्ट नहीं है,
इसमें अच्छा वाला गिफ्ट है, आप एक बार खोल के तो देखिए। क्या? अरे वाह, आप पहन के देखिए ना। एक मिनट। हाँ। अरे वाह अब्दुल भाई, आप तो एकदम हीरो लग रहे हो। थैंक यू टप्पू, लेकिन पूरे गोकुलधाम सोसाइटी में एक ही हीरो है, वो है टप्पू। चलिए मुझे मेहता अंकल के घर जाना है। गुड नाइट अब्दुल भाई। गुड नाइट। यार टप्पू है स्मार्ट, सबको एक पल में अपना बना लेता है। ये लीजिए मेहता अंकल, आपका गिफ्ट। थैंक यू सो मच। क्या बात है टप्पू, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि टप्पू ने इसी बॉक्स में एक दूसरी गिफ्ट भी छुपाई है। जो कोई ना सोच सके वैसा सोचे, उसी का नाम टप्पू है। बिल्कुल, वेरी स्मार्ट है टप्पू। बस इस बार हमें गिफ्ट सरप्राइज दे, शौक ना दे। हाँ, पर वो खोलेंगे तो पता चलेगा ना, जल्दी खोलिए ना। हाउ टू मेक डाइट फूड। टप्पू तुम्हारा ये गिफ्ट तो पिछले गिफ्ट से ज्यादा भयानक है। पर ये गिफ्ट तो मेरे काम का है। थैंक यू टप्पू। ये तुमने अच्छा नहीं किया टप्पू, तुमने मेरे डाइट का मेनू और बढ़ा दिया। मेहता अंकल अब पढ़िए। हाउ टू मेक डाइट फूड टेस्टी। अपने रूखे सूखे डाइट फूड को मसालेदार और स्वादिष्ट बनाइए। यस। ये तो बड़े काम की किताब है। मैंने कहा था ना मेहता अंकल, आप मेरा गिफ्ट देख कर खुश हो जाओगे। ये वैसे ये चीज है बड़े काम की। एक ही गिफ्ट में दोनों की चॉइस आ गई। So thoughtful टप्पू, and thanks once again. Welcome आंटी। चलिए अब मुझे हाथी अंकल के घर जाना है, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हमारा टप्पू जैसा था वैसे ही है। बस अब उसकी शरारतों पर समझदारी का श्रृंगार लग गया। हाथी अंकल, कोमल आंटी, ये रही आपकी गिफ्ट। अरे ये तो कमाल हो गया, गिफ्ट हमारे पास ही थी और हमें पता ही नहीं था। पापा जल्दी से खोलिए ना, अब रहा नहीं जा रहा है। वाह लड्डू, लड्डू, लड्डू। नहीं क्या हुआ अंकल, कहीं तुम मुझे फिर से वो कड़वा लड्डू तो नहीं खिलाने वाले हो ना? अरे नहीं नहीं अंकल, रात गई बात गई, आप ये लड्डू खाइए, खुश हो जाओगे। खाइए खाइए पापा। ऑल द बेस्ट। वाह इस लड्डू की मिठास तो बहुत बढ़िया है, तुम लोग भी ट्राई करो। मामा, हेलो बेबी। बोली ये रहा तेरा गिफ्ट। माय लड्डू माइंड ब्लोइंग यार। अरे और परिवार में कोई किसी को थैंक यू बोलता है क्या? नहीं ना अंकल, टप्पू बहुत दिनों बाद वापस आया है और उसके अंदर का बच्चा फिर से जाग गया है, उस बच्चे को पहले की तरह गाना गाना है, तो क्या आप लोग उसे परमिशन देंगे? नहीं टप्पू, ये तो गलत बात है ना। कोमल अभी टप्पू ने क्या कहा कि हम लोग एक परिवार है, तो फिर परिवार से परमिशन मांगने की क्या जरूरत है? गाओ गाना। गाओ। गोली डॉक्टर हाथी MBBS, डॉक्टर हाथी MBBS, डॉक्टर हाथी MBBS, डॉक्टर हाथी MBBS, बनेगा गोली MBBS, बनेगा गोली
MBBS. ये लो बेटा मुंह मीठा करो. वाह टप्पू, आज तो तुमने पुराने दिन याद दिला दिए. यार टप्पू जेन्युइनली मना करा दिया यार तूने. चलिए अंकल आंटी अब मुझे चलना है. मुझे बीडे अंकल के घर जाना है. गुड नाइट अंकल आंटी. गुड नाइट. वाह बाय हंस. टप्पू कितना मैच्योर हो गया. नहीं अबे रे मम्मा अगर दोस्त किसका है वही. सही बात है. अच्छा मतलब अभी तुम मुझे दूसरा झटका देने वाले हो. माधवी ये सुधरने वाला नहीं है. इसकी शरारत खत्म ही नहीं होती. अंकल ये शरारत नहीं है. ए, देखो खुद ही बोल रहा है ये शरारत नहीं है. नहीं है नहीं ये शरारत नहीं है. इस बॉक्स में सच में गिफ्ट है. गिफ्ट के अंदर गिफ्ट. कमाल है मुलगा. टप्पू है जीनियस. मस्ती खो रहे. ये लीजिए बीड़े अंकल आपका गिफ्ट. ए, नहीं दूर रख इसको. दूर रख. क्यों क्या हुआ. हुआ नहीं होगा. क्या है इसमें. बीड़े अंकल आप खुद ही खोल के देख लीजिए. नहीं 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 मैं नहीं खोलने वाला. पहली बार खोला तो ये बॉल निकला. पता नहीं इसमें कौन सी चौंकाने वाली चीज होगी. बीड़े अंकल सच कह रहा हूँ इसमें ऐसी गिफ्ट है जो आपको देख कर बहुत अच्छा लगेगा. तो बंटो तार सोनू की कसम. बाबा रिलैक्स. टप्पू मेरी कभी झूठी कसम नहीं खा सकता. अरे वो तुम्हारी कसम खाई क्यों रहा है. दोस्त है दोनों. दोस्ती में कसम खाते हैं एक दूसरे की. और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि इन दोनों की दोस्ती हमेशा सलामत रहे. और मेरी प्रार्थना है कि दोनों हमेशा दोस्त ही रहे. अब तो आपको भरोसा हो गया है ना. अब तो गिफ्ट लीजिए. ठीक है. उगड़ा सका पतल बगैसे मुझे. वाह कितनी सुंदर. और एक शिक्षक को इससे अच्छा गिफ्ट क्या मिल सकता है ना. जानो टप्पू शाबाश बड़ा. माधवी आंटी आपके लिए भी गिफ्ट लेकर आया हूँ. अरे पानी सर का है. ये लीजिए माधवी आंटी आपका गिफ्ट. या सो क्यूट. थैंक यू थैंक यू. भारत की सफल बिजनेस वुमन की सच्ची कहानियां. अरे वाह क्या मस्त पुस्तक है. आंटी इसमें उन सारी महिलाओं के बारे में बातें हैं जिन्होंने आपकी तरह गृह उद्योग से काम स्टार्ट किया था और आज उनका बहुत बड़ा बिजनेस है. थैंक यू बड़ा मस्त गिफ्ट है. दोनों गिफ्ट बहुत अच्छी है. तुम्हें पण बोला ना अच्छा. हां थैंक यू टप्पू. वाकई तुमने बहुत सोच समझ के गिफ्ट दिया हम दोनों को. हां हां टप्पू मानना पड़ेगा तूने आई बाबा के लिए एकदम परफेक्ट गिफ्ट सिलेक्ट किए. सोनू मैं तेरे लिए भी स्पेशल गिफ्ट लाया हूं. रियली. हां एक मिनट सोनू तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट. एक मिनट इसको मैं खोल के देखूंगा. मेरे अंकल से मत खोलना. सॉरी अंकल ये सोनू का गिफ्ट है तो सोनू ही खोलेगी ना. सोनू ये ले गिफ्ट खोल. सच पाइजे तुम्हारा उसका गिफ्ट आपको क्यों खोलना. खोलने को तो उसको. भाई वाह टप्पू का जवाब नहीं. पहला गिफ्ट देकर सबको झटका दे दिया और दूसरा गिफ्ट देकर सबको मना भी दिया. वो कहते हैं ना हर रात के बाद सुबह निश्चित है और रात अगर इतनी धमाकेदार हो तो सुबह शानदार तो होगी ही दोस्तों. पर ये क्या टप्पू ने सोनू को भी गिफ्ट दे दिया. उस गिफ्ट में क्या होगा. कहीं भिड़े वो गिफ्ट देकर भड़क तो नहीं जाएगा. दोस्तों कुछ भी हो सकता है. टप्पू के आने के बाद गोकुल धाम में नया उजाला तो आएगा ही लेकिन साथ में मस्ती धमाल और हंगामे की बौछार भी होगी. दोस्तों वो पुराने दिन फिर से वापस आने वाले हैं. टप्पू के हंगामे आपको हंसाने वाले हैं. क्या फिर से भिड़े की खिड़की का कांच टूटेगा या फिर से गोकुल धाम में टप्पू की वजह से नया तूफान उठेगा.
दोस्तों टप्पू कुछ भी करे, लेकिन आपके घर पर हंसी खुशी और ठाकों की बरसात ही होगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।